नमस्कार, लाइफ कैंपस के प्रोग्राम में आप सभी का फिर से स्वागत है। मैं हूं नरेंद्र पांडे। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बात करी थी कि मौसम के अनुसार हमारा आहार कैसा होना चाहिए, और हमने ये जाना कि हमारा शरीर पांच महाभूतों अर्थात वायु, आकाश, अग्नि, जल और पृथ्वी से मिलकर बना होता है। इन पांच महाभूतों से बनते हैं कफ, पित्त और वात। इनके शरीर में कम या ज्यादा हो जाने को हम दोष कहते हैं, और ये दोष ही रोग के कारक बनते हैं, जिसे नाड़ी परीक्षण द्वारा पता किया जा सकता है। वर्तमान समय में अब कुछ डिवाइसेस भी आ गई हैं, जिनमें से एक है वेदा पल्स, जो कि रायपुर के पॉजिटिव हेल्थ जोन में उपलब्ध है, जिनके माध्यम से हम रिपोर्ट निकाल सकते हैं और उसके आधार पे व्यक्ति का पर्सनलाइज कस्टमाइज डे रूटीन और डाइट प्लान किया जा सकता है। चलिए जानते हैं हिंदू कैलेंडर के अनुसार मौसम एवं आहार कैसा होना चाहिए। तो पहला कड़ी में ले लेता हूं, पौष का महीना आता है 23 दिसंबर से लेकर के 21 जनवरी का, जिसमें कफ दोष बढ़ता है, और इस समय हमें गर्म, हल्के और सूखी चीजें खाना चाहिए ताकि कफ ना बढ़े, जिनमें से सरसों, शकरकंद, सूखे मेवे आदि, काली मिर्च, पिपली, तीखे मसाले ज्यादा लेना चाहिए ताकि पित्त कंट्रोल में रहे, लौंग, जीरा, अदरक का काढ़ा बनाकर दिन में घूंट घूंट करके पीना चाहिए कम से कम 2 से 3 बार, इससे पाचन में मदद मिलती है। गुड़, दूध और दूध से बनी चिकनाई वाली चीजें ज्यादा खाना चाहिए, जिससे तिल के तेल से मालिश हो, और गुनगुने पानी पीना लाभप्रद रहता है। लगभग 30 मिनट धूप का सेवन लेना लाभप्रद रहेगा। हमें ठंडी और भारी चीजों से बचना चाहिए, जो कि पाचन में दिक्कतें पैदा कर सकती है, जैसे पनीर, दही और फिर ठंडे तासीर वाली चीजों से दूरी बननी चाहिए। चीनी, नमक और तीखे स्वाद, जैसे करेला है, नीम है, मेथी, बैगन, काफी आदि को कम खाना चाहिए, क्योंकि ये पानी को रोककर शरीर में भारीपन लाते हैं। दूसरा महीना आता है फागुन का, जो कि अंग्रेजी महीने के अनुसार से 20 फरवरी से लेकर के 21 मार्च तक रहता है। इस मौसम में पित्त को बैलेंस करने के लिए ताजा चीजें जैसे साबुत अनाज खाना चाहिए, जिन चीजों की तासीर ठंडी हो, जो सूखे हो, उन्हें ज्यादा खाना फायदेमंद होता है। सौंफ का इस्तेमाल पित्त को बैलेंस करने में सहायक होता है। ठंडे पानी से बचना चाहिए, गर्म और तीखे मसाले से, काली मिर्च, दालचीनी से परहेज, थोड़ा सा लाभप्रद होगा। धूप में जाने से बचना चाहिए। चाय, कॉफी का ज्यादा इस्तेमाल पित्त बढ़ा सकता है, तो दिन में कम सोए। कड़वे चीजें जैसे लहसुन, काली मिर्च, सौंठ, प्याज आदि और कैसेले पदार्थ, विशेषकर जामुन, सेब, अनार, ब्रोकली या स्प्राउट्स कम खाना चाहिए इस मौसम में। चैत का महीना है, 22 मार्च से 19 अप्रैल तक रहता है। इस महीने में अक्सर कफ बढ़ता है, इसलिए भोजन ठंडी तासीर वाला और गर्मी को कम करने वाला होना चाहिए। पुराने अनाज और दालें जैसे कि जौ, गेहूं, मूंग, मसूर आदि का इस्तेमाल करना फायदेमंद होगा। छाछ, लस्सी, नींबू पानी और नारियल पानी को शामिल किया जाए खाने में तो फायदा होगा। रोजाना 1 चम्मच शहद लेना भी फायदेमंद होता है, और आधा चम्मच सौंठ आधा गिलास पानी उबालकर पिए तो आपको अधिक लाभ होगा। तली भुनी और तीखे मसालेदार अचार आदि से परहेज करना चाहिए, क्योंकि ये पित्त को बढ़ा सकते हैं। उड़द दाल, राजमा, चना आदि चीजों के खाने से भी बचना चाहिए, क्योंकि इनका पाचन मुश्किल होता है। चीनी, मीठी चिकनाई युक्त वस्तुएं जैसे घी, तेल, पकौड़े आदि कम खाना चाहिए। तो ये हुई अभी तक के कुछ मौसमों की जानकारी कि हमें आहार कैसा लेना चाहिए। आने वाले वीडियो का इंतजार करिए, हम फिर लेकर के आएंगे अगले 3 महीनों के मौसमों के बारे में, आपकी तासीर कैसी होगी और आपका वक्त वात पित्त कफ में से कौन प्रभावी होगा, उसके अनुसार से आपका भोजन कैसा होना चाहिए। तो इंतजार करिए मेरे अगले वीडियो का, और जो लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज करें सब्सक्राइब लाइफ कैंपस को।